आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन यह बात सच है कि एक देश ऐसा भी है जहां के लोगों के लिए खाना एक सपने में तब्दील होता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि यहां के लोगों को पत्ते और कीड़े खाकर खुद को जिंदा रखना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्वी देश यमन की। यमन के यहूदी विद्रोहियों का सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं के साथ हिंसक संघर्ष आज भी चल रहा है, जिससे यमन में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। अब यमन को विश्व का सबसे मानवीय संकट वाला देश बताया जा रहा है। यहाँ लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जिससे बीमारी और महामारी फैलती जा रही है। यहाँ हर दिन लोग मर रहे हैं। मानवाधिकार का तो यहाँ वजूद ही नहीं रहा। कभी किसी के शादी समारोह पर हमला हो जाता है तो कभी स्कूल और अस्पतालों पर। फिलहाल यहाँ खाने के लिए सबसे ज्यादा टिड्डों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 4 साल से युद्ध की आग में जल रहे यमन के लोगों के पास अब जिंदा रहने का बस यही एक जरिया है। लोगों का मानना है कि टिड्डों में प्रोटीन होता है और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जहाँ कुछ किसान इन टिड्डों को अपना दुश्मन मानते हैं, तो वहीं यमन के लोगों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। टिड्डों का इस्तेमाल अब सामान की अदला बदली के लिए भी हो रहा है। इनके बदले में अन्य जरूरतों का सामान ले रहे हैं। यहाँ रहने वाली एक महिला का कहना है कि युद्ध के समय जीवित रहने के लिए पैसे कमाना काफी मुश्किल होता है, इसलिए वह कीड़े मकोड़े इकट्ठा करती है। इन्हें बेचकर वह अन्य सामान खरीद लेती है, जैसे कि गेहूं। यहाँ के हालात इसलिए भी ऐसे हैं क्योंकि जो खाने का सामान विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत भेजा जाता है उसे विद्रोही लोगों तक पहुँचने ही नहीं देते। कीड़े खाने की बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह सच है कि यमन के लोग कीड़े खाकर ही गुजारा कर रहे हैं। Oh.